लाइफ में फर्स्ट टाइम दादाजी के साथ। कितना सुंदर आसमान और कितना प्यारा खूबसूरत सा। तो गाइस स्वागत है आपका मेरे एक और न्यू वीडियो में। तो आज मैं अपने दादा को अपने पास के एक मंदिर, काफ़ी खूबसूरत जो काफ़ी फेमस है हमारे एरिया में अभी फ़िलहाल, पुनाई मंदिर, हनुमान भगवान का मंदिर है, वहाँ जाने वाले हैं। तो मैं रेडी, मेरा छोटा भाई मदन सेठ, दादा रेडी, हम लोग तीनों, अपनी प्यारी थार उधर खड़ी है, खड़ा है मतलब, सॉरी। तो अभी चलने वाले हैं और फिर दादाजी को वहाँ घुमाना है। मैं भी एक बार गया हूँ तो दादाजी को आज ले जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो आज चलेंगे। मदन तुम गया है? नहीं नहीं गया है। तो मदन पहली बार, दादाजी भी पहली बार, तो चलते हैं। ठीक है, टोपी ना? ना टोपी ना, ठीक है, कोई दिक्कत ना। तो चलते हैं अभी, ओके, मंदिर चल के दिखाते हैं आपको, दादाजी को अपने थार पे लेके आज चलेंगे मंदिर। तो गाइस अभी हम लोग रास्ते में हैं, तो दादाजी मेरे बगल वाले सीट पे, मदन इधर था। आज मेरा जो सपना मैं सोचता था, देखता था, उसका पहला दिन है आज कि अपने बगल वाले सीट पे दादाजी को बिठा के वहाँ ले जाऊँ, जहाँ जहाँ मेरा तमन्ना है वहाँ जाके इनको खिलाऊँ, जहाँ मैं नहीं खा पाया हूँ। तो इनको जितना हो सके, मेरे से जो भी हो पाएगा, मेरे से जो पॉसिबल है अपने लाइफ में, जब तक दादा है मेरे तब तक मैं कोशिश करूँगा। तो अभी चल रहे हैं पुनाई मंदिर और चलते हैं उधर, दिखाओ मैं आगे ऐसे रिकॉर्ड करो। और देखिए रास्ते में है अभी छबेलवा जंगल हम लोग पार करने वाले हैं। मैं आपको सारा रूट बताऊंगा ये पुनाई मंदिर जाने का, तो पहले आप पुनाई मंदिर देख ले मेरे साथ, मेरे दादाजी के साथ, उसके बाद फिर मैं आपको आगे का दिखाता हूँ। तो चलिए चलते हैं आगे, ठीक है, बंद करो। तो फिलहाल अभी हम लोग लगभग पहुंचने वाले हैं गाइस, ज़्यादा नहीं, यहाँ से हाफ किलोमीटर एक किलोमीटर होगा। तो दादाजी बाबा कने पुना मंदिर जाती है, बढ़िया लागे था ना तोरा, हम अपन गाड़ी का हम ले लियो, हम ले लियो, हम गड़िया ही ला हम ले लियो, हाँ तो बढ़िया है ना, खुशी ना तू खुशी ना? हाँ तो चल अभी जाबा पूजा करवा, फिर करवा घर, ठीक है, ठीक है ना, देखी था बेटी। हाँ तो गाइस अभी दादाजी भी खुश हैं, ज़्यादा बात करना उनको पसंद नहीं है, और ज़्यादा कुछ पूछने से थोड़ा सा उनको, बच्चा जैसे बच्चा को पूछते हैं हम लोग क्वेश्चंस, तो बच्चा कैसे घबरा जाता है, बस वही वाला सीन है थोड़ा सा। तो अभी मैं ड्राइव खुद कर रहा हूँ और पीछे है भाई मेरा ललन। तो चलते हैं, पहुँचने ही वाले हैं, जस्ट थोड़ा सा आप आसमान का नज़ारा का मज़ा लीजिए, देखिए कितना प्यारा आसमान व्यूज़ है। ये लुंद्रू पहुँचे अभी, इसके जस्ट आगे वाला बस्ती है पुनाई, तो पुनाई मंदिर बजरंग बली का दर्शन करेंगे, आज मंगलवार भी है, तो चलते हैं और आपको दर्शन करवाते हैं। तो गाइस खूबसूरत आसमान और बजरंग बली हमारे सामने, देख सकते मंदिर जस्ट हमारे सामने है, बस पहुँच गए हैं, चलते हैं और दर्शन करते हैं। खूबसूरत सा बहुत ही प्यारा मंदिर बनाया गया है यहाँ पे, बड़ा एरिया में, तो आपको भी विजिट करना चाहिए मेरे ख्याल से। तो अभी चलते हैं, पहले दिखाते हैं आपको कि क्या है बजरंग बली का महिमा, और इतने बड़ा मंदिर लोग बनाया है उनके श्रद्धा के लिए, उनको क्यों इतना भगवान प्यार करते हैं, प्यार करते हैं मतलब हम लोग। दादाजी बहुत बड़ा आए हैं कह रहे हैं, चलते हैं। ललन और दादाजी हम लोग गाड़ी खड़ा किए हैं यहाँ पे साइड में और चल रहे हैं, देखिए आसमान दादाजी, और चलते हैं प्रसाद लेते हैं और फिर मंदिर के पास चलते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं मंदिर, अभी अंदर चलते हैं, चल वो आ जाओ। ललन दादा का हाथ पकड़ के चल रहे हैं, चलते हैं, आने कहीं से चलने कोई दिक्कत ना आ, चलते हैं प्रसाद लेते हैं फिर अंदर चलते हैं, पूजा करते हैं और आपको सारा अंदर का बजरंग बली का जो मंदिर है वो दिखाते हैं आपको, चलते हैं। और ये अंकल के द्वारा गंगा जल दिया जा रहा है, तो
छिटले बाबा एक माथा पर छिटले ऐसे। हाँ हाँ हो गया, चल चल छिटले। हाँ चल आ जाओ चल। तो प्रसाद अभी हम लोग अपना लेते हैं। वो फोटो लेंगे? नहीं फोटो क्या लेंगे, बस ऐसे ही। हाँ तो अपन अभी मंदिर के एंट्री। दादाजी आ ले, चल ले, चल आगे चल। तो यहाँ से आप देखिए गेट पे से ऐसा नज़ारा हो, ऐसा मंदिर का दृश्य आता है, तो आप देख सकते हैं। और मैं तिरुमली के दरबार में भाई चलते हैं अंदर। जैसे ही आप एंट्री करते हैं तो आपको ऐसे एक छोटा सा पानी से होकर गुजरना पड़ता है बाबा, ताकि आपका पैर धुल जाए। हाँ और यहाँ से आप मंदिर का व्यू देखिए, ये है देखिए कितना प्यारा सा व्यू, कितना प्यारा खूबसूरत बनाया गया पूरा। अब अच्छा ललन यहाँ से पूजा करते हैं, फिर पूजा करके आराम से आपको दिखाते हैं और कैंपस का आपको व्यू दिखाते हैं। यहाँ से आप एंट्री करते हैं और वो ये जल वाला ये फ्लोर है, उसके बाद से आप जैसे घुसते हैं तो यहाँ से मंदिर, और फिर ये आपको यहाँ बीच में भी फाउंटेन शायद बनाया जा रहा है, तो अभी कंप्लीट नहीं है, बनेगा। और फिर उधर भी कुछ मंदिर बन रहा है, और ये पूरा एरिया है कैंपस, काफ़ी खूबसूरत है और ज़रूर आना चाहिए सबको। तो चलते हैं अभी। जय भैनी गुरु दिल। मेरे संकट मोचन धाम पुनाय, हम आए हैं धाम और अभी चलते हैं धाम में थोड़ा माथा टेकते हैं। चलो अंदर से चलो। और ये अंदर हमारे वीर बजरंग बली सबकी कृपा बने रहे, सब पे कृपा बने रहे, हम पे भी। जला बैठने जला ऊपरे। हाँ ऊपरे कर में लग गया, हो गया गोड़ लग ले, गोड़ लग जाए करो। ठीक खड़ा कर दे बाबा बल्लन, तू खड़ा कर दे, खड़ा कर दे। बजरंग बली को प्रणाम करते हैं, फिर घर की ओर चलते हैं। राम सीता
हमारे परम पूजनीय है और यहाँ पे राधा कृष्ण हमारे दूसरे परम पूजनीय और इसमें है हमारे गणपति बप्पा मौर्या, सबसे पहले इनका नाम हर काम से पहले। और ये मेन मंदिर है बजरंगबली का। और ये हमारी दुर्गा माता, जय दुर्गा माता, शेरे वाली माता। सब मंदिर को काफ़ी खूबसूरत बनाया गया इससे। और हमारा सारा कंप्लीट लगभग पूजा हम लोग कर लिया, जितना भी श्रद्धा भक्ति हमारा था हमने भगवान को अपना भेज दिया। मिलन अभी घर की ओर चल रहे हैं और भी निकल रहे हैं। अब आज ये हम गेट के बाहर अभी निकल गया, एक बार आप बाहर से पूरे देख सकते हैं। बाबा नखा अपन अपन गाड़ी में आ जाओ। ये रहा लाइफ में फर्स्ट टाइम दादा जी के साथ हम लोग गुपचुप खाएंगे ना दादा, फर्स्ट टाइम सबके साथ बहुत बार खाया है तो दादा जी के साथ गुपचुप खाते हैं और अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं आपसे। अभी काफ़ी अच्छा लग रहा है तो चलिए तो ही पकड़ दिया गिराज बहुत गिर। अच्छा ठीक है उसे तो चलिए दादा खाएंगे। हाँ बाबा खो ओकरा उठा के खो। हाँ ओकरा खो। हाँ खाली ओकरा खो उठा झाल होता है। हाँ ठीक खो खो देख लाला खे तो देख ऐसे ऐसे खो। हाँ खो। हाँ खो ये है एक्सपीरियंस। हमारा आज का जो मेरा ये था कि दादाजी को मंदिर ले जाके पूजा करवाना है, आज हमने वो काम लगभग पूरा किया। साथ में दादाजी को गुपचुप भी खिलाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। शायद दादाजी पहले गुपचुप नहीं खाए हैं पता नहीं, बट आज खिलाया और आज बजरंगबली की कृपा से दादाजी को मैंने पूजा भी करवाया, उनको अपने गाड़ी पे घुमाया भी बगल वाली सीट पे। और तमन्ना करते हैं भगवान से, दुआ करते हैं कि ऐसी भगवान दे हमको कि हम अपने दादाजी को इसी तरह से अपने साथ जहाँ जहाँ मेरा तमन्ना है मैं इनको ले जाऊँ और घुमा पाऊँ। तो फिलहाल के लिए आज का वीडियो में इतना ही और चलते हैं घर। दादाजी भूखे हैं, सुबह से खाए भी नहीं है ठीक से कुछ भी, तो जल्दी जल्दी घर चलते हैं। यहाँ से 8 किलोमीटर है घर हमारा, तो चलते हैं। बने रहिए वीडियो में, मतलब नेक्स्ट वीडियो का मेरा थोड़ा सा। चलिए ठीक है कोई बात नहीं।